हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया शासन पर खनन का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने लालकुआ के देवरामपुर क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन दिए जाने पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस पहले अपने अस्तित्व को बचाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कांग्रेस जो है मुद्दाविहीन है, आज ही आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, कांग्रेस के नेता कांग्रेस की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उसमें उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी थे, हरक सिंह जी भी थे, भुवन काबड़ी जी भी बैठे हुए कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोगों के पास तथ्य हैं, वो तथ्य को उजागर करें। किसी प्रकार का कोई अगर ऐसा खनन की जहाँ पर नहीं हो सकता, उस जगह पर अगर किसी प्रकार की कोई सरकार ने अनुमति दी है, तो कांग्रेस के लोग उसको सामने दिखाएं। अब सरकार का सिर्फ खनन पर फोकस है, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब भूल चुकी सरकार। ये जब चुनाव आएगा, चुनाव का समय होगा, तो एक मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री बदलेंगे।